मैं यहां पर आज के इस अजीम इज्तिमा की मुनासबत से जनाब वजीर आजम के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं कि शुमाली वजीरिस्तान बहुत पिट चुका है। शुमाली वजीरिस्तान हमारा तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारी बहनें और माएं, हमारे बूढ़े और बच्चे कई सालों से यहां मैदानी इलाकों की गर्मी और तपिश बर्बाद कर रहे हैं। हयादार लोग जिनकी खवातीन घरों से बाहर नहीं निकली थी, आज वो दर बदर भीख मांगने पे मजबूर हुई हैं। इन तबाहाल घरानों को बाइज्जत तौर पर अपने घरों को वापस ले जाने का आज यहां बन्नू में आप ऐलान फरमाएं और इनके जो नुकसानात हुए हैं उनको मुआवजा देने का भी ऐलान फरमाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, वजीरिस्तान के लोग सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हिजरत नहीं कर गए, ये आईडीपीज यहां के नहीं हैं, होस्ट अफगानिस्तान की तरफ भी ये लोग गए हैं अपनी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपनी इज्जतों को बचाने के लिए दर बदर हैं। अफगानिस्तान के आईडीपीज को भी वहां से बाइज्जत तौर पर अपने वतन अजीज और अपनी सरजमीन पर वापस लाने का इंतजाम किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपके नोटिस में ये बात भी लाना चाहता हूं, हमारे कबायली असातिज़ाए किराम ने मुल्क के दूसरे असातिज़ाए किराम की तरह अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया, मेरे पास मिलने के लिए आए, मैंने उनकी दरखास्त आपके पास भेजी, उनको मुतमैन करके भेजा गया, लेकिन इस वक्त तक उनके अपग्रेडेशन का फैसला नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि हमारे कबायली इलाकों के असातिज़ाए किराम उनके बाकायदा अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया जाए। और अजीब बात यह है, हमारे सूबे में इस्लामियात का मजमून लाजमी है, इस्लामियात का मजमून लाजमी है, एक कंपल्सरी मजमून के लिए इस वक्त स्कूलों के अंदर इस्लामियात उस्तादों की भर्ती मना है। इस्लामियात पढ़ाने के लिए उस्ताद नहीं है, एक एक बाकायदा एक लाजमी मजमून के लिए क्यों स्कूलों में उस्ताद नहीं है, क्यों इस्लामियात का उस्ताद नहीं है, क्यों दीनियात का उस्ताद नहीं है? तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हमें बड़े बुनियादी मसाइल की तरफ आपको तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। और इस हवाले से हम समझते हैं कि आप इस सरजमीन के गरीब लोगों की और यहाँ के पसुफ्तादा और पसमानदा तबके की आवाज सुने और आप ही उनके आज इस वक्त अल्लाह की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी सबब हैं। अल्लाह ने उनकी सुन ली है और आज वजीर आजम पाकिस्तान इस सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह हमें आप पर एतमाद है कि आप